तो भाई आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टिगोर सीएनजी का टेस्ट। टेस्ट में क्या करेंगे, देखेंगे भाई जो टिगोर सीएनजी है ये कितनी एवरेज देती है, क्योंकि भाई काफी लोगों की मैंने वीडियोस देखी हैं, बोल रहे हैं भाई 30 दे रही है, 28 दे रही है, कोई 24 बोल रहे हैं, कोई 25 बोल रहे हैं। तो मैं खुद से चाह रहा हूँ भाई, खुद से देखा जाए कि जो टिगोर है ये सीएनजी में कितनी एवरेज देती है। जैसे ऊपर वाला बार देख रहे हो ना, ये सीएनजी के लिए दे रखा है और नीचे वाला पेट्रोल दे रखा है। पेट्रोल तो भाई गाड़ी में फुल है। और जैसे एक और चीज है, गाड़ी जब भी मान लो आप स्टार्ट करोगे ना तो भाई सीएनजी में होती है। अगर सीएनजी बच रही है ना तो हमेशा ही सीएनजी में लगी रहेगी, ऐसे नहीं है कि आपकी स्टार्ट पेट्रोल में होगी देन सीएनजी में लगेगी। स्टार्ट ही सीधा ही सीएनजी से होती है। तो इसकी ट्रिप को जो है ना रीसेट कर लेते हैं और इसको जीरो मार देते हैं। तो मोड का बटन है भाई, ट्रिप को मार देते हैं जीरो। तो भाई फ्यूल लिड मैंने ओपन कर दिया है, तो इसमें देखो दिखा भी रहे हैं क्लोज फ्यूल लिड, और ट्रिप भी जो है मैंने जीरो कर दी है। अभी देख लेंगे इसको पूरा घुमा फिरा के भाई कितनी जो है ये गाड़ी एवरेज देती है। और आपको प्रेशर और चेक करा देता हूँ कि भाई कि कितना प्रेशर आ रहा है। तो ये ऑनलाइन से कनेक्ट है, 180-190 जो है इसके अंदर प्रेशर आ रहा है। और यहीं पे जो है सीएनजी यहीं पे डल जाता है, मतलब अगर आपकी मान लो लिड ओपन है ना तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अगर लिड गाड़ी स्टार्ट है और लिड ओपन रहेगी तो जो गाड़ी ऑटोमेटिकली इंजन जो है कट ऑफ कर जाएगा। तो अभी सीएनजी फिलअप करा देते हैं भाई, कितनी इस गाड़ी के अंदर सीएनजी आती है। और ये टेस्ट पता है कैसे करेंगे, इसको जितनी भी किलोमीटर चलेगी, मान लो 60 चली, 50 चली, उतनी चला के और फिर दोबारा से जो है गाड़ी में सीएनजी फिलअप करेंगे, प्रेशर बिल्कुल सेम रहेगा। क्योंकि जो ये पेट्रोल पंप देख रहे हो भाई, ये ऑनलाइन कनेक्ट है तो प्रेशर हमेशा सेम ही रहने वाला है। गाइस जो पहले वाला पंप था ना उससे अब इस दूसरे वाले पंप पे आ चुके हैं। पता है नहीं यार इसमें क्या दिक्कत आ रही है। जैसे प्रेशर डालते हैं ना गाड़ी के अंदर, जैसे मान लो सीएनजी डलती है तो जो प्रेशर रहता है वो कम होता है डलते वक्त, बट इसमें पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, वो जो मीटर का प्रेशर है वो बढ़ जा रहा है, तो सीएनजी टैंक के अंदर आ ही नहीं पा रही है, बल्कि खाली है सीएनजी टैंक। और सीएनजी ऐसा नहीं है भाई, फुल है, सीएनजी भी खाली है, चार डंडे कम है इसकी। तो काफी चीजें करके देख ली भाई हमने, सारी हरकत दुरकत करके देख ली, लड़ाई दंगा कर लिया वहाँ पेट्रोल पंप पे भाई, क्या खराबी हो रही है। इससे मतलब इसके बाद ना वही गाड़ी रोक के एक दूसरी गाड़ी में फिलअप कराई, उसमें फिलअप हो गई एक बारी में। अब इस पे और देखते हैं, अब ये पंप हो रहा है भाई, इस पे और ट्राई कर लेते हैं। ऑनलाइन ही है, ये भी ऑनलाइन ही कनेक्ट है, तो देख लेते हैं भाई इसमें अगर सीएनजी फिलअप हो जाए तो ठीक है, वरना भाई देखेंगे भाई क्या दिक्कत आ रही है गाड़ी के अंदर, क्यों नहीं सीएनजी आ रही है। और किसी को पता हो तो भाई कमेंट करके बता देना क्या प्रॉब्लम है। अपने तो सिलेरियो अपने पास, तो भाई वो लगाई और सीधा चालू हो जाती है। तो भाई अब अपनी गाड़ी की बारी आ चुकी है, दोबारा से देखते हैं इसमें कितनी सीएनजी जो है आ जाती है। देख लेते हैं भाई यहाँ पे भरती है नहीं भरती है, वहाँ पे तो नहीं भरी थी, यहाँ को और चेक कर लेते हैं क्या हिसाब किताब है। तो भाई एक और से मैंने पूछी थी, जैसे जो जिनके पास सीएनजी है ना, टियागो एक दोस्त के पास, तो उससे मैंने पूछी थी, तो उसके में भी यही सेम प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम अगर अंदर बैठ के बताऊं कि बाहर में शोर शराब बस आएगा। और आपको प्रेशर दिखा देता हूं भाई कितना आ रहा है, ये देखो भाई प्रेशर इसके अंदर आ रहा है इतना, मतलब 180-190 इतना इसके अंदर प्रेशर है। और ऑनलाइन कनेक्ट है, कोई वो नहीं है कि भाई सिलेंडर आते हैं तो प्रेशर अप डाउन करेगा। तो अभी गाड़ी को चलाएंगे देन आपको टेस्ट करा देंगे। तो फिलहाल में भाई 3.9 केजी इसके अंदर सीएनजी आई है। तो गाइस सीएनजी देख लो बिल्कुल फुल हो चुकी है, बाकी यार प्रेशर पे डिपेंड रहता है, 180-190 प्रेशर पे, 190-200 मतलब इतने प्रेशर पे ना सीएनजी जो है फुल हो जाती है। अभी इसको भाई गाड़ी को घुमाते हैं, जीरो मार रखी है, सिर्फ 200 मीटर चल रखी है, इसको 200 मीटर को जीरो मार, जीरो हो गई है भाई, ठीक है जीरो चल। तो फिलहाल में भाई आ चुके हैं मैकड़ी में, तो थोड़ा सा ऐसा भी हो जाएगा, खड़े में भी टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि लोग वगैरह से दाए नहीं भाई अल्ले और भरवाली पे लंबे जाने लग रहे हैं। हर एक चीज पूरी सी हो जाएगी इसमें, खड़ी भी रहेगी गाड़ी, ट्रैफिक में भी चलेगी। अब ये थोड़ा सा देख लो भाई, थोड़ा सा बार बार क्लच ब्रेक ही दबाना पड़ रहा है। 5 गाड़ियां थी टोटल और अभी फिलहाल में 3 गाड़ियां इसमें रह गई हैं। ले लेते हैं खाना, आप लोगों के लिए ही करा जा रहा है भाई, सब घर जाने का टाइम नहीं मिल रहा, प्लीज सब्सक्राइब करो। और कैसे रूखा सूखा खाना खाना पड़ रहा है ना, प्लीज सब्सक्राइब करो यार, ये बर्गर बर्गर यार, ये मैदा का खाना खाना पड़ रहा है यार, शिट ये स्टॉक मार्केट किस खेत की होगी, बंद कर दो इसको। तो गाइस हमें 10 मिनट हो गए भाई ये खाना खाते हुए, अभी बेल्ट लगा लेंगे और खाना खाते ना, सीधी इसने चला दी बिना पूछे मेरे से।
और अभी डेढ़ मतलब 500 मीटर चली है, 10 मिनट तक यूं खड़ी रही और गाड़ी का एसी ऑन कर रखा है 25 डिग्री सेल्सियस है, बट फिर भी कूलिंग आ रही है क्योंकि बाहर के टेम्परेचर को देखते हुए। अभी देखते हैं भाई चला के इसको क्या एवरेज आती है। तो भाई ट्रैफिक आ गया है, बम्पर टू बम्पर तो नहीं है बट क्लच और ब्रेक का और बार बार गियर चेंजिंग तो इसमें हो रही है। फिलहाल में इस गाड़ी में ये अच्छी चीज है, सेकंड गियर में आराम से उठ जाती है, आराम से उठ रही है। हाँ तो ये अच्छी चीज लगी भाई, सेकंड गियर में उठ जाती है। जो अपनी हैरियर और सफारी है वो सेकंड गियर में नहीं उठती है, कंपेरिजन तो नहीं बनता है बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि वो नहीं उठती है। तो सेकंड गियर में भी आराम से उठ रही है, ट्रैफिक वगैरह में से मनूवर करना कैसे है? प्रॉपर है, सही है, कहीं कोई दिक्कत ना? कोई दिक्कत नहीं। चलो तो भाई ट्रैफिक सा था अभी, मतलब ये ट्रैफिक है कितने 400 मीटर का, 400 मीटर का ट्रैफिक है करीब नहीं है, और चलता ट्रैफिक ऐसे नहीं मतलब रुका हुआ, जाम नहीं है, ट्रैफिक है। तो भाई 18 किलोमीटर तो मेरे को देखती होगी है, ऐसा ही चल रहा है, मतलब यूं हो रहा है फिफ्थ गियर में चल रहा है, पर बार बार ब्रेक रेस ऐसे चलने लग रही है। तो अपने भाई इंडिया में भी देखोगे ना ऐसी मक्खन मलाई रोड तो भाई कहीं भी नहीं मिलेगी, सीधा लगा है टॉप गियर और जा रही है भाई 80 पे। वो तो एक्सप्रेस वे पे ही मिलती है भाई, है तो एक्सप्रेस वे ये भी बट वो जैसे KMP हो गया अपना, जो अपना लखनऊ वाला एक्सप्रेस वे है वो हो गया, इन पे मिल जाती है भाई। पर इन जैसे ही अपने गुड़गांव जैसे अपनी दिल्ली से जयपुर तक वाला रोड है, ये मैं उस रोड पे टेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली अपने इंडिया में ना ऐसी ही सड़कें हैं सारी टूटी फूटी भीड़ भाड़, तो इस पे टेस्ट चल रहे हैं। फिलहाल में 18 किलोमीटर जो है गाड़ी चली है। तो भाई गाड़ी चल चुकी है 35 किलोमीटर और अभी भी इसका जो एक भी बार है ना वो नीचे नहीं गया है, क्योंकि एक तो इसके अंदर बार थोड़े दे रखे हैं, जैसे सिलेरियम क्या है उसमें तो बार ज्यादा दे रखे हैं, तो उसमें क्या है 15-20 किलोमीटर चलती है एक बार गिर जाता है, शुरुआत वाला गिरता है बाकी बाद वाला नहीं गिरता। तो वही है इसका शुरुआत वाला मतलब बार नहीं गिरा, एक बार में शायद 20 किलोमीटर चल जाए ना, 20 तो फालतू चले यार, 20 तो फालतू चले। तो वही यार इसके 40 किलोमीटर होने वाली है फिर भी एक बार नहीं गया, इसका बड़ा मजबूत सवार दे रखा है। बाकी CNG तो वही आती है 7-8 किलो, अभी देख लेंगे भाई इसमें भरवा के कितनी CNG आती है नहीं आती है। और सारा रोड ऐसा ही था, कहीं भी एक जगह स्टडी नहीं चली है कि भाई ले चल ली एक डेढ़ दो किलोमीटर तक भी ऐसे नहीं हुए, 2 किलोमीटर लगा लो 2 किलोमीटर तक बिल्कुल भी स्टडी नहीं चली है, गियर तो अप डाउन नहीं हुए बट स्पीड जो है मंदी तेज हुई है, बाकी थोड़े बहुत देर जैसे 2-3 किलोमीटर 4-1 किलोमीटर बाद गियर भी अप डाउन हुए हैं, ऐसा ट्रैफिक था। तो भाई अब दोबारा से भरवाने आ चुका हूँ CNG, गाड़ी जो है 41 किलोमीटर चली है और जैसे देखोगे ना भाई वही पंप है, अभी प्रेशर वगैरह सब कुछ सेम है और बार जो है ना एक भी नहीं गया इसका। तो अभी CNG फिलअप करा देते हैं और फिर बताते हैं भाई कितने की इसमें CNG आई है। तो भाई अब जो है इसका एक बार चला गया है, वैसे चली तो वही है 41 किलोमीटर बट थोड़े चलते हुए ना इसका बार गया नहीं था, अब जैसे स्टडी खड़ी रही ना 10-1 मिनट तक तो जो है इसका बार चला गया, और गाड़ी ना रेगुलर स्टार्ट है, गाड़ी का इंजन जो है मैं कट ऑफ नहीं कर रहा हूँ। तो भाई CNG डलनी हो चुकी है स्टार्ट और प्रेशर देख लो, जितना अभी डलवाया था ना उतना ही प्रेशर आ रहा है, और अभी डलने के बाद आपको पूरी बता दूंगा कितनी CNG इसके अंदर आई है। 109 रुपए की CNG आई है और 1.7 kg आई है। तो गाइस देख लो 41.1 किलोमीटर चली है, अब इसकी कहानी घर जाके बताएंगे। तो भाई अभी आप लोग को कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं, गाड़ी चली थी 41.1 किलोमीटर एंड इसमें CNG आई डिवाइड बाई 1.7 kg इसमें CNG आई, तो गाड़ी ने एवरेज दी है 24.17 की, यानी कि 24 की गाड़ी ने जो है एवरेज दी है। स्पीड और ट्रैफिक वगैरह आप लोगों ने देख लिया था भाई कितना क्या ट्रैफिक था, अभी जैसे और खुले में चलेगी ना तो भाई जो ये गाड़ी है एक बढ़िया एवरेज दे देगी, बट अभी क्या था ट्रैफिक का एरिया था जहाँ पे बिल्कुल ब्रेक क्लच का मतलब क्लच का इस्तेमाल नहीं होगा ना, तो वहाँ पे गाड़ी आराम से 30 की एवरेज आप लोग को निकाल के दे देगी। और इस रोड पे तो आप लोगों ने देख ली थी मतलब स्टडी नहीं थी स्पीड बढ़ रही थी घट रही थी, गियर चेंज हो रहे थे, कुछ इस तरह का माहौल हो रहा था,
और ये एवरेज भी ऐसे नहीं है बिल्कुल 100% एक्यूरेट है भाई, सीएनजी में ऐसे होता है एक्यूरेट बिल्कुल निकल नहीं पाती है। तो एक रफली सा आइडिया आप लोग को मैंने दे दिया है। और भाई इस टिगोर सीएनजी और टियागो सीएनजी दोनों के अंदर एक प्रॉब्लम है, जैसे कई बार क्या होता है आप सीएनजी फिलअप कराने जाते हो ना तो फ्यूल स्टेशन पे क्या होता है जो सीएनजी है ना फ्यू वो भरती नहीं है इसके अंदर, फिर दूसरे स्टेशन में जाते हैं भरवाने वहाँ पे भर जाती है। तो पता नहीं भाई क्या ही दिक्कत आ रही है, काफ़ी गाड़ियों में सुनने को आ रही है यार ये प्रॉब्लम। ये मेरे साथ ही भाई टिगोर में घट गया है, और जो मेरे दोस्त के पास है टियागो, दो दोस्तों के पास है, दोनों से पूछी, दोनों के अंदर भाई वही प्रॉब्लम बता रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो भाई लाइक कर देना, चैनल नए सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।